इंडिया एक ऐसा देश जहां हर तरह के कल्चर, कहानियां, कहावतें और लोग सब घुल मिल जाते हैं। यहां मैथ्स है और मिथ भी, कर्मा है और कोरमा भी, फैंटेसी है और फैक्ट भी। इंडिया है एक जीती जागती बॉलीवुड फिल्म और हमारे फिल्म के हीरो हैं ये एडवर्ड सोनब्ले। इन बरखुरदार के कदम 10 साल पहले इंडिया में पड़े और तब से ये मुंबई में ही बस गए। हूँ तो परदेसी पर दिल है प्योर देसी। अब जनाब एडवर्ड निकले हैं एक एपिक जर्नी पर, कुछ ऐसी रोजमर्रा की चीजों के मायने ढूंढने जिन्हें हम अक्सर देखकर शायद अनदेखा कर देते हैं। इनके सवाल हैं सिंपल, लेकिन उन सवालों के जवाब बेमिसाल। एक देश, हजारों साइंस, सैकड़ों सिंबल्स और अनगिनत अनसुलझी पहेलियां, जितने लोग उतने अनुभव और उससे कई ज्यादा उनकी कहानियां। लेकिन एक नई कहानी शुरू होगी अब, जिसे लिखेंगे एडवर्ड। बरखुरदार निकल जो पड़े हैं इंडिपीडिया की राह पर। देखो भाई, मैं एक सीधा साधा इंसान हूं। मेरे बारे में बस तीन चीजें जानना जरूरी है। एक, मुझे इंडिया से प्यार है। दो, बॉलीवुड से सच्चा प्यार है। और तीन, सवाल पूछने से कुछ ज्यादा प्यार है। और सवाल पूछने की जर्नी पे मैं निकला हूं। एंड ट्रू इंडियन स्टाइल में मैं स्टार्ट करूंगा एक शुभ शुरुआत से। इंडिया में हर चीज की शुरुआत का है एक स्पेशल तरीका और उसके पीछे एक खास मतलब। सुबह की चहल कदमी और काम शुरू करने से पहले की पूजा से लेके रात को सोने के समय तक सबके आरंभ को शुभ और मंगल करने की पूरी कोशिश की जाती है। किसी भी काम की सही शुरुआत बहुत ही जरूरी होती है, भारत में तो और भी ज्यादा। और हमारे यहाँ कई ऐसे रिवाज है, कई ऐसी मान्यताएं हैं जो एक अच्छी शुरुआत से जुड़ी हुई है। चाहे वो किसी काम की शुरुआत हो, आपके दिन की शुरुआत हो, किसी सफर की शुरुआत हो या किसी भी और अच्छे काम का प्रारंभ, हर बार बहुत ही जरूरी माना गया है एक शुभारंभ। इंडिया में हर शुरुआत से पहले एक रिचुअल होता है। On your marks, get set, go बोलने से पहले लोग कई ऐसी चीजें करते हैं जिससे जिंदगी की रेस स्मूथ हो जाए, जैसे कि सुबह सुबह सूर्यदेव को प्रणाम। इंडियन कल्चर में शुरुआत का ये अहमियत है क्योंकि हर जो शुरुआत है वो हमारी संस्कृति के इकोनॉमिक हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी जो संस्कृति है बेस्ड ऑन दी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड सोर्सेस, वहाँ पे बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रेड, कॉमर्स होता था। और हर एक जो ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटी हैड टू स्टार्ट विद एक मुहूर्त के साथ। तो शुरुआत जो है वो जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए बिगिनिंग्स और शुरुआत इज सो इम्पॉर्टेंट। आजकल तो बिकॉज ऑफ साइंस वी ऑल नो कि अर्थ इज़ रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग, तो हर एक टाइम में कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशंस हो रहा है। द एग्जाम्पल आई एड लाइक टू गिव इज कि अभी आजकल तो मोबाइल फोन्स आर वेरी पॉपुलर, तो इतने सारे वेव्स रहता है बट वी डोंट सी दोज वेव्स। तो उसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैप्शन चाहिए बाय विच इट कैप्चर्स दोज चैनल्स। ये जो शुभारंभ की जो घड़ी है इट इज कैप्चरिंग दोज एनर्जीज विच इज देयर इन दिस यूनिवर्स, इन दिस प्लैनेट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूर्य वाज कंसिडर्ड इन द वेदास एज अ स्पाई बिकॉज वो जा रहे थे हर जगह पे और सब जगहों को देख रहे थे। तो ये सूर्य अर्घ्य के जो बात होती है इट इज ऑफरिंग ऑफ वाटर आप टू द सूर्य एज अ थैंक्स गिविंग। एंड वो नेक्स्ट, और क्योंकि सूर्य के बिना तो जिंदगी है नहीं, एंड सूर्य इज द रेफरेंस ऑफ द ईश्वरा इन आर नॉर्मल लाइफ।
जो एनर्जी का जो एलिमेंट होती है, ब्रह्मांड का जो एलिमेंट होती है, उसका जो अंश है वो सूर्य है, इट्स एनर्जी. तो उनको ऑफरिंग इज व्हाट इज कॉल्ड सूर्य अर्घ्य. सूर्य देव के आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत अच्छी होती है. और अपने सवालों की यात्रा शुरू करने से पहले दिन की शुरुआत मैं सबसे शुभ तरीके में करूंगा. हंसना मत मेरे योगा पर. एक बहुत ही खूबसूरत मंत्र सूर्य नमस्कार के बारे में हमारी परंपरा में पढ़ा जाता है. आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषांश्च जायते. जिसका मतलब होता है कि जो सूरज को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं उन लोगों का ना सिर्फ आयु बल्कि उनकी बुद्धि, उनका तेज, उनका बल सब कुछ बढ़ता जाता है. प्राणायाम भी उसमें आ जाती है, जहाँ पे ब्रीदिंग है, कंट्रोल ऑफ माइंड एंड योगा. पतंजलि का योगा इसमें देर इज दिस अष्टांग योगा विच इज यमा नियमा प्राणायामा प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि. वो जो कॉन्सेप्ट है यू विल सी इट कम्प्लीटली इन सूर्य नमस्कार. सो सूर्य नमस्कार, संध्या वंदनम, अर्घ्य टू बी ऑफर्ड टू द सूर्य इज ऑल पार्ट ऑफ द सेम पर्टिक्युलर रिचुअल एंड इट इज डन एवरी डे, सूर्यास्त एंड सूर्योदय. ठीक है मैं जानता हूँ मेरा सूर्य नमस्कार काफी ऑकवर्ड था, लेकिन कोशिश तो यही है कि मैं एक दिन बैलरीना जैसे ग्रेसफुल हो जाऊं सूरज की शक्ति के साथ. सूरज से ही लाइफ मिलती है. अंधेरे को बाय, उजाला को हाय, इस नमस्कार से मुझ में एक नई एनर्जी आ गई है. इस शंख की आवाज में एक जादू है. प्रकृति की ये भेंट मन को कितनी शांति देती है और दिन में पॉजिटिविटी बढ़ देती है. हमारे आसपास की सभी चीजें हम मानते हैं कि पंच महाभूतों से बनी हुई है. ये पंच महाभूत होते हैं पृथ्वी, तेज, आकाश, जल और वायु. इनमें से आकाश तत्व से, जिसे इंग्लिश में हम ईथर कहते हैं, इस तत्व से शंख जुड़ा हुआ है. तो शंख का जो साउंड है, शंख का जो श्रुति जो एमिनेट होती है शंख से, इट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस मंगलकार्य साउंड है. दैट्स वन. और शंख का भी ये महत्व है कि विदाउट एनी स्ट्रिंग्स, विदाउट एनी प्लेक्ट्रम, वो एक वायु से, वन ऑफ द पंच तत्वा से वो साउंड निकलती है. तो इसीलिए साउंड बिकम्स फ्रॉम द शंख बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर पॉइंट इज शंख इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ विष्णु, भगवान विष्णु एज वन ऑफ हिस आयुधास. सो दैट इज वाई शंख प्लेज अ वेरी प्रोडोमिनेंट रोल एंड इट्स नेचुरल. भारतीय सभ्यता में शुभ आरंभ के चिन्ह ज्यादातर प्रकृति से ही होते हैं. शायद इसलिए इनमें स्पिरिचुअल ही नहीं इंसान के लिए फिजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं. Are you feeling it? I'm feeling good. I'm feeling strong. Woo-hoo! I'm going higher. No, I'm not. It's high enough. How did I get up here? Jeez. हमारे जो भी मान्यताएं रही हैं उनमें ज़्यादातर कोई ना कोई बहुत ही ठोस साइंटिफिक रीज़न रहा है. जैसे एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है माथे पे तिलक लगाना या कुमकुम लगाना या भस्म लगाना. इन चीज़ों का डायरेक्टली रिलेशन आपके बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल, ज़्यादा जो एक्सेसिव हीट इन द बॉडी उसके साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन है. या दूसरा एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं तुलसी को पानी चढ़ाना. तुलसी को पानी चढ़ाते समय आप तुलसी के आसपास रहते हो. तुलसी को आयुर्वेद ने कल्पवृक्ष जैसा, ऑल विश फुलफिलिंग ट्री जैसा माना है. या हमारे जो अलग अलग संस्कार हैं, ये संस्कार भी आपको आपकी लाइफ के उस लेवल पर एक अच्छी शुरुआत करने के लिए, मदद करने के लिए ही बनाए गए हैं. तो इन सभी चीज़ों में एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेसिस है. और ये जो कैलकुलेशंस जो है, या ये जो राहु काल है, यमकंड काल है,
ये जो काल जो बोलते हैं, जो हर एक जो काल निर्णय कैलेंडर में जो भी है, जो भी जो कैलेंडर जो रीजनल कैलेंडर्स में आते हैं, वो बहुत ही साइंटिफिक रूप से वो कैलकुलेट करके वो वहाँ पे डिडक्शन किया जाता है. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज हर एक कैलेंडर्स में सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो गिवन टू द प्रिसिशन. हाउ डू दे कैलकुलेट? एंड ये जो कैलकुलेशन है, इट इज डन ईयर्स बिफोर. तो देर इज अ साइंस बिहाइंड इट. चलेगा दादा? बसुन. साइंस, ट्रेडिशन, रीति रिवाज, जो इसे कहा जाए, इंडिया में हर छोटे से छोटे सफर से पहले भगवान का नाम लिया जाता है. तो जाहिर है इंडिपीडिया की इस विशाल जर्नी से पहले वर्खोदार एडवर्ड भी इस संस्कार का पालन जरूर करेंगे, लेके भगवान श्री गणेश का नाम. Well begun, it's half done. And in India, you're definitely well covered on that front. Kyunki yahan har cheez, har venture, shuru karne se pehle, ek auspicious ritual kiya jata hai. This is only in India. Shaadi se pehle muhurat. Gaadi karido to koi puja. Ghar karido to koi aur puja. Naye saal ke start mein ritual. Har season ko welcome karne ke liye alag alag rituals. Bacche ke paida hone par ceremony. और अगर शुरुआत किसी चीज की करनी हो ना, तो देसी स्टाइल में करनी चाहिए, विद फुल धमाल और श्रद्धा. सफर हो या नया बिजनेस, एग्जाम हो या फिल्म की शूटिंग, गणपति देव सब रुकावटें हटा देते हैं. हमारे यहाँ किसी भी अच्छे बुरे काम के पहले गणपति की पूजा की जाती है, उन्हें प्रथम पूजन का मान दिया गया है ऐसा कहा जाता है. जो भी काम शुरुआत शुभारंभ की जाती है वो गणेश, सर्वप्रथम गणेश जी को ही मनाया जाता है. हम शुभ विवाह करते हैं तो गणेश जी को याद करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं तो गणेश जी को याद करते हैं, वास्तु दोष में भी जब काम करते हैं तो गणेश जी को याद करते हैं, और मंदिर देवालय में जाते तो सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना की जाती है. अगर देखें तो पहले आरंभ में गणपति की जब से शुरुआत हुई तब गणपति विघ्न या संकट तैयार करने वाले, आप पर संकट लाने वाले देवताओं में से थे. जैसे क्लास के सबसे शरारती बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है, उसी तरह गणेश को ही संकटों को दूर करने वाली देवता बनाया गया. और इसीलिए किसी भी काम शुरुआत करने से पहले हम गणेश की पूजा करते हैं, ताकि उस काम पर कोई भी संकट ना आए, कोई रुकावटें ना आए. ये जो धागे की जो कल्पना है, ये कल्पना आप कह सकते हैं वैदिक ओरिजिन है. इसमें वेदों में कई जगह पे एक रक्षा सूत्र या रक्षा करंडक जिसे कहा गया है, इसका रेफरेंस मिलता है. ये बेसिकली बुरी बलाओं से आपकी रक्षा करने के लिए और आपको अच्छी चीज़ें आप तक लाने के लिए इस कामना से बांधा गया ये धागा है. आरती का ये मतलब हुआ कि आरती इज फ्लेम. पंच महाभूताज में फायर इज द ओनली एलिमेंट दैट कैन नॉट गेट पोल्यूटेड. सोचने वाली बात है ये. तो यदि हम लोग आरती फ्लेम बता रहे हैं भगवान को, एंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो फायर से ही हुई है. फायर ऑल्सो इम्प्लाइज द एसेंस ऑफ एनर्जी. यदि दैट इज माइक्रोकॉसम तो ये तो माइक्रोकॉसम है. तो यदि जब हम लोग आरती कर रहे हैं भगवान को, इट इज़ लाइक एन अर्पण, समथिंग विच इज़ वेरी प्योर, समथिंग विच कैन नॉट बी पोल्यूटेड. हम लोग उसी को, भगवान को हम लोग अर्पण कर रहे हैं. किसी पूजा के बाद या भगवान का दर्शन करते समय या किसी भी ट्रिप के लिए निकलते समय आप देखते हैं कि नारियल चढ़ाया जाता है. नारियल एक इंसानी शरीर का, इंसानी सिर का एक प्रतीक है, सिंबल है. तो जब आप भगवान के सामने नारियल चढ़ाते हैं तो आप अपने हाथों से आपके सर में जो भी गुरूर, अहम, ईगो जो भी भरा है वो आप भगवान के सामने फोड़ रहे हो, छोड़ रहे हो, और ये अपने हाथों से छोड़ रहे हो. एक और बात नारियल के बारे में जो है, वो बाहर से हार्ड है और अंदर से नरम.
तो इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग इसमें इसमें से हमको एक सीख मिलती है। सीख ये है कि हम लोग बाहर से वी हैव टू बी स्ट्रांग एंड रेजिलियंट, लेकिन अंदर से वी हैव टू बी सॉफ्ट एंड काम एंड पीसफुल एंड स्वच्छ विच इज वाइट इन कलर। तो उसमें उसका उदाहरण हमारे लिए ये है कि एस नारियल एवरी पार्ट ऑफ नारियल जस्ट लाइक एवरी पार्ट ऑफ नारियल इज एक उपयोग में लाया जाता है, हम लोग भी हमारी जिंदगी को नारियल की तरह वी हैव टू मेक यूज ऑफ इट एवरीवेयर। वेल देयर गोज माय हेड, अब मैं दिमाग से नहीं दिल से सोचूंगा। गणेश जी का दर्शन हो गया और पंडित जी से भी ब्लेसिंग्स मिल गए। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि व्हाई हिंदी फिल्म्स में द हीरो हमेशा अपने माँ बाप के पैर छूते हैं। इट्स नॉट जस्ट टू शो रिस्पेक्ट, जो ब्लेसिंग्स मिलती है दे रिमूव ऑब्स्टिकल्स। वाह, एक तीर से दो दो निशाने, नाइस। ऑस्पिशियस स्टार्ट्स का धार्मिक पहलू समझने के बाद चले हैं जनाब एडवर्ड अब शुभ शुरुआत का कला की दृष्टिकोण से मायने जानने। चलिए मेरे साथ। I want to introduce you to someone. इनके father-in-law famous और अद्भुत इंडियन डांसर उदय शंकर थे और इनके पति संगीतकार आनंद शंकर। आइए मिलते हैं renowned डांसर, अभिनेत्री और शिक्षक तनुश्री शंकर से। भारत के अनोखे कल्चर को अलग अलग तरह से देखा और समझा जा सकता है। ठीक उसी ही तरह हर आर्ट फॉर्म यानी कला के भी अपने खास रिवाज और मायने हैं। यही जानने के लिए एडवर्ड मिले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुकी डांसर तनुश्री शंकर से। तनुश्री जी, आप अपना दिन कैसे शुरू करती हैं? क्या आप उससे शुभ बनाने के लिए कुछ करती हैं? जी, मैं ऐसे तो बहुत सवेरे जागती हूँ, 5 बजे करीब। इतनी जल्दी? बहुत जल्दी। उसके बाद मैं थोड़ा सा फूल कलेक्ट करती हूँ, जैस्मिन, वो हम रख देते हैं भगवान जी के सामने, और फिर म्यूज़िक चलाती हूँ घर में। तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक का वाइब जो है वो बहुत ही शुभ है। लेकिन जब हम लोग प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो बिफोर द प्रोग्राम हम लोग एक दिया जलाते हैं पहले, और फिर सब डांसर्स हम सब मिलके एक पूजा करते हैं, धूप जलाते हैं, ताकि सब फोकस में आ जाए प्रोग्राम के पहले। और हम प्रोग्राम शुरुआत करते हैं, एक श्लोक है आपको ज़रूर मालूम होगा, अस्तोमा सतगमय, हाँ, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, उसको हम प्रेमांजलि कहते हैं। तो प्रेम से ऑडियंस को अंजलि देकर फिर हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। मैम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो मैं चला अपनी यात्रा पर। एक मिनट, आपको मैं एक चीज़, हम लोग करते हैं हमारे यहाँ पे कोई भी अच्छा काम या कहीं शुभ यात्रा के पहले हम थोड़ा दही शक्कर खिलाते हैं। अच्छा। ताकि आपका यात्रा शुभ हो, आप जिस काम पे जाए वो भी अच्छा हो। ओके। जब भी आप किसी भी अच्छे काम के लिए, किसी बड़े काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम है, जॉब इंटरव्यू है, या आप समझो युद्ध पे जा रहे हैं, किसी ट्रिप पे दूर जा रहे हैं, तब आपको दही शक्कर घर से बाहर निकलते समय खिलाया जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि दही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कूलिंग इफेक्ट। तो जैसा हम लोग जब एक इम्पॉर्टेंट, एक मुख्य काम के लिए जा रहे हैं, तो हमारे जो नर्व्स, हमारे जो माइंड है वो शांत रखने के लिए वो दही दिया जाता है। और एक बात है, शुगर क्यों, शक्कर क्यों? शक्कर से ऑफ कोर्स आजकल हम लोग बोलते हैं कि वो शक्कर, शुगर लेवल, ग्लूकोज, बेसिकली एनर्जी। शक्कर का ये मतलब हुआ एनर्जी। तो दही शक्कर एक सिग्निफिकेंट, एक ऐसा एक चिन्ह है, इट्स लाइक सम काइंड ऑफ अ सिम्बोलिज्म
which tells you to remain calm and to keep your energy levels high. अब मैंने काफी कुछ किया है अपनी इंडिया की यात्रा को शुभ बनाने के लिए. अब मैं सुरक्षित हूं. सामान से ज्यादा दिल में तमन्नाएं हैं और इन तमन्नाओं को आशीर्वाद दिया है देवों ने, बुजुर्गों ने, सूर्य भगवान ने, नारियल जी ने, दोस्तों ने. आप लोग भी जरा गुड लक बोल दीजिए और चलिए मेरे साथ देश घूमने. कुछ सवाल है तो पूछिए, मेरे सवालों के जवाब है तो दीजिए. The address, प्रेम गली खोली नंबर 420. सॉरी, चलते हैं. अगली मुलाकात तक दुआओं में याद रखिएगा. Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.